वेलकम स्टूडेंट्स, हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते तक हमने अलग अलग लॉज, गैस लॉज, उसके बेसिस पे आइडियल गैस इक्वेशन, फिर डाल्टन्स का लॉ क्या होता है पार्शियल प्रेशर के लिए, वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो, और साथ ही साथ आखिर में एंड में गैसेस को और अच्छे तरीके से समझने के लिए और गैसेस एक्चुअल में होती क्या है, किस स्टेट में को एग्जिस्ट हो सकती है, वो सारी जानकारी समझने के लिए हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था। उसके बेसिस पे हमने रियल गैस और आइडियल गैस दो डिफरेंस निकाले थे कि रियल गैस यानी एक्चुअल में क्या होता है और आइडियल गैस यानी क्या होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये सारा कैलकुलेट होने के बाद कुछ क्वेश्चन यानी कुछ स्टूडेंट्स ने डिफ़िकल्टी पूछी थी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है शीट में आपके दिया गया वो सॉल्व करना नहीं आ रहा था या फिर नहीं आया, तो इफ़ आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग तो यही वाला क्वेश्चन था, तो मैं ये क्वेश्चन आपसे अभी सॉल्व करके दे रहा हूँ, देख लीजिएगा बराबर कुछ डाउट और डिफ़िकल्टी इसमें होंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले क्या बात बोलते हैं, अ बलून हैज़ अ 0.6 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब बोला गया है यानी ये जो गिवन दी गई चीज़ है ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा कायम रहता है मीटर में, तो 0.6 मीटर क्यूब बोला गया यानी ये क्या होगा वॉल्यूम, क्या होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm होता है, 1 atm 1 atm यानी ये होता है अगर हम उसको ऐसा यूनिट पकड़े दैट इज 1.013 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। साथ ही साथ एट द सेम टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम, एट द सेम टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजेस बाय 15%, उसका जो भी शुरुआत का वॉल्यूम होगा उसमें 15% बढ़ा है, 15% इंक्रीज हुआ, तो एट दैट जब 15% बढ़ा है तो प्रेशर कितना रहेगा ये बात पूछिए, एट दैट प्रेशर कितना रहेगा ये बात पूछिए। तो अगर क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन में दो ही चीजें हैं, क्या प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर और वॉल्यूम है तो बॉयल्स लॉ लगेगा, अगर बॉयल्स लॉ लगेगा तो हम यहां पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1V1 इज इक्वल टू P2V2, क्योंकि दो प्रेशर की बात चल रही है और दो वॉल्यूम की भी बात चल रही है इसलिए P1V1 इज इक्वल टू P2V2। क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि एक बलून है, वो बलून का वॉल्यूम जो है वो 0.6 मीटर क्यूब था एट नॉर्मल प्रेशर जो सराउंडिंग में होता है, और इसका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम 15% से इंक्रीज हुआ, मतलब बलून का जो साइज होगा दैट बिकम 15% से क्या हो गया इंक्रीज, तो 15% से जब इंक्रीज हुआ होगा तो प्रेशर का आंसर क्या आया होगा, तो कॉमन सा सेंस है कि आपको पता है बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ एक बड़ा कॉमन सा स्टेटमेंट कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पे क्या बोला है 15% से वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज होगा, वॉल्यूम अगर 15% से इंक्रीज होने वाला है इन शॉर्ट प्रेशर कम आने वाला है जितना भी रहेगा उसके अनुसार, तो हम पहले लिख लेते दैट इज गिवन क्या क्या है, तो पहली चीज दैट इज इनिशियल वॉल्यूम जिसको हम ले लेते हैं V1 दैट इज वैल्यू लिया 0.6 मीटर क्यूब। अब एक और चीज ले लेते इनिशियल प्रेशर जिसको हम ले लेते P1, ये वैल्यू कितना है कुछ एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वैल्यू होता है 1 atm ले सकते हैं आप, दैट इज होता है 0.13 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर क्यूब ऐसा यूनिट लिया गया है तो हमको प्रेशर भी ऐसा यूनिट वाला ही लेना पड़ेगा दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनिशियल प्रेशर होने के बाद हमें चीज कैलकुलेट करनी है फाइनल वॉल्यूम क्या रहेगा तो V2, तो कैलकुलेट कैसे करते हैं देख लो, अगर आपके पास एक वैल्यू है तो यहाँ पे अगर चीज समझी होगी तो देख लो वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 15%,
तो शुरुआत में जितना भी होगा उसके 15% इंक्रीज हुआ है, 15% टाइम 15% इंक्रीज हुआ है उससे 15%। तो शुरुआत में आपका, मैं यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट कैसे करता हूँ, शुरुआत में कितना था 0.6 मीटर क्यूब, इसको आप कितना मान लो 100%, कितना मान लो, ये 100% था ना, आया ना, ये 100% था, इसको 100% मान लो, तो इस वॉल्यूम में कितना परसेंट बढ़ा है, 15% बढ़ा। तो अगर आपने 100 माना है तो 15% बढ़ा यानी कितना हो गया 115, 15% बढ़ गया है यानी 115, तो 115 अगर है तो तब ये कितना होगा, क्या बोल रहा हूँ, चीज डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप आसानी से समझ पाओ तो समझ जाइएगा। क्या होता है कि वॉल्यूम शुरुआत में यह 0.6 मीटर क्यूब, इससे 15% टाइम बढ़ा है, 15% टाइम इंक्रीज हुआ, 15% टाइम क्या हुआ है, इंक्रीज। तो 0.6 यानी इसको हमने मान लिया 100%, कितना मान लिया 100%, तो 15% बढ़ा है मतलब 100 में 15 बढ़ गया यानी 115 हो गया। तो 115 के लिए ये वॉल्यूम कितना होगा ये पता करना है, ये वॉल्यूम कितना होगा ये पता करना है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉमन सा सेंस है, अगर आप V2 का वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 115 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 100, ये इसका और इसका क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपको क्या मिलेगा वॉल्यूम मिल जाएगा, आया ना वॉल्यूम मिल गया। अब प्रेशर पहला वाला दिया है तो क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ P1 is equal to P2 V2, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है V2 का, तो V2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, P1 V1 upon P2, P1 का वैल्यू है क्या, हाँ गिवन है, P2 का वैल्यू दैट इज कंसिडर, नहीं वॉल्यूम दिया है सॉरी उल्टा निकालना है, ये ऐसा होना चाहिए P2 होना चाहिए और यहाँ पे V2 होना चाहिए, ठीक है। P1 का वैल्यू गिवन है क्या, हाँ प्रेशर गिवन है, V1 वॉल्यूम हाँ वो भी गिवन है, V2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा V2 का। अगर V2 का वैल्यू आपको मिल गया, इन शॉर्ट आप सेकंड टाइप वाला क्या कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेशर, सेकंड टाइप वाला आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो प्रेशर। इस चीज को बार बार रिपीट करके देखिए ये वीडियो को कि ये कैसे बताया गया है, फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए, आपको ये आसानी से समझ में आएगा, और डाउट लगे तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो आप लोगों ने डिफिकल्टी प्रेजेंट की थी, ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आया तो हमने इसको सॉल्व किया है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बाकी और आगे वैल्यू पुट अप कर लीजिए आपका आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए तो आगे का रीड करते हैं, नेक्स्ट जो हमें रीड करना है दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट। आगे वाला टर्म होता क्या है और किससे रिलेट करता है, या आपको पूरी चीज एंड में जाते जाते पूरा समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न से रिलेटेड है। अब एक्चुअल में होता क्या है, इसके पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वो बॉयल्स लॉ और अलग रिलेटेड अगर करें तो चार्ल्स गैस और चार्ल्स लॉ गेलुजैग एवोगैड्रो सारे लॉस पढ़ लिए। तो बेसिक सा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि हमने रियल गैस और आइडियल गैस भी पढ़ लिया एक कंसेप्ट, उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी पढ़ लिया है कि जेड कि वॉल्यूम रियल वाला और आइडियल वाला दोनों में क्या रेशो का डिफरेंस होता है। एक्चुअल में बहुत बार रियल वॉल्यूम और आइडियल वॉल्यूम में डिफरेंस होता है कि आइडियल वॉल्यूम यानी इतना इतना होना चाहिए और रियल वैल्यू में रियल वॉल्यूम यानी इतना है, तो ये दोनों डिफरेंस है बेसिकली रियल और आइडियल में के। तो उसी बेसिस पे एक चीज़ कर रहे हैं कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस यानी क्या होता है, मीनिंग समझ लेते हैं। ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हमें एक बात पता चलेगी कि अगर हमने सॉलिड ले लिया तो सॉलिड जिसका एक डिफाइनाइट शेप है, डिफाइनाइट वॉल्यूम है, पैटर्न अलग है। लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो गैस का ना डिफाइनाइट शेप है ना डिफाइनाइट वॉल्यूम है, अगर जिस कंटेनर में रहा तो उसका ले सकता है कंसिडरेशन में। तो डिफाइन क्या कर रहे हैं कि हमें एक बात प्रूव करनी है या फिर हमें एक बात समझनी है कि गैस और लिक्विड ये जो है ये दोनों एक में के कोएग्जिस्टेंट है। कोएग्जिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि जो चीज़ लिक्विड में है वो गैस में जा सकती है या जो चीज़ गैस में है वो लिक्विड में आ सकती है, ये एक सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं। तो कोई भी अगर गैस है वो किस स्टेट तक या किस टेम्परेचर तक गैस में रहेगी और उसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पे रीड करना है।
तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पढ़ते वक्त हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हमें पता है बेसिकली तीन स्टेट्स है हमारे पास, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। और तीनों अगर हम समझने की कोशिश करें, चाहे सॉलिड ले ले, चाहे लिक्विड ले ले और गैस ले ले, तो सॉलिड लिक्विड और गैस की अगर बात करें तो सॉलिड जिनमें मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं होते हैं, बहुत पास में होते हैं, लिक्विड जिनमें मॉलिक्यूल ठीक ठाक दूर होते हैं, और गैसेस जिनमें मॉलिक्यूल एक मिक्स से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो अब कंसिडरेशन क्या है, अगर सपोज मान लीजिएगा हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, ये कंटेनर लिया है और इस कंटेनर की अगर बात करें, इस कंटेनर के अंदर अगर हमने बात की कि गैस भरी हुई है, क्या कर दिए, गैस भरी हुई है, तो अगर गैस भरी हुई है तो फैक्टर क्या होता है और चीज क्या होती है, बात समझ लीजिएगा। मैंने क्या बोला, सॉलिड में मॉलिक्यूल एक मिक्स से बहुत पास पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और गैस में कैसा रहता है, गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो अगर आप एक कंसिडर समझो कि ये गैस है, कि अगर लिक्विड में कहे तो लिक्विड में क्या, मॉलिक्यूल्स आर लिटिल फार टू ईच अदर, गैस की बात करें तो दे आर वेरी फार एक मिक्स से बहुत दूर है, और सॉलिड की बात करें तो दे आर वेरी क्लोज। तो अगर कोई गैस दी है उसका मॉलिक्यूल बहुत एक मिक्स से दूर है, तो अगर हमें उस गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, उस गैस को कौन से स्टेट में कन्वर्ट करना है, लिक्विड स्टेट में, तो हमें ये बात करनी पड़ेगी या हमें ये बात करनी है कि उस गैस को, उस गैस के मॉलिक्यूल जो दूर दूर है उनको थोड़ा कैसे लाओ, पास पास लाओ। तो पास पास लाओगे तो क्या होगा, गैस जिनके मॉलिक्यूल दूर दूर है अगर आप पास पास लाओगे तो गैस से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड, कॉमन सा सेंस है। तो गैस से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड, अगर मॉलिक्यूल कैसे लाया जाए, पास। तो अगर आपको मॉलिक्यूल पास में लाने हैं तो मॉलिक्यूल पास में लाते वक्त आपके पास ऑप्शन दो बनते हैं, एक प्रेशर बढ़ाइए, अगर मैंने मान लीजिए ये गैस है और ये पिस्टन है, इसको अगर आपने ऊपर से प्रेशराइज कर दिया, आपने इसको ऊपर से क्या कर दिया, प्रेशराइज कर दिया, दबा दिया, तो प्रेशराइज कर दिया तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। प्रेशर अगर है तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, बराबर है, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। मॉलिक्यूल एक पिक के जैसे आप इमेजिन कर लीजिए, इसका जब आप प्रेशर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल कैसे आ जाएंगे, एक मिक के पास आ जाएंगे, एक मिक के पास आ जाएंगे, यानी जो गैस है गैसीय स्टेट में वो बेसिकली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये सिंपल सा लैंग्वेज, कैसे प्रेशर बढ़ा के, तो हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हम इसको अचीव कर सकते हैं प्रेशर इंक्रीज करके। पहला फैक्टर क्या कर सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज करके। दूसरा एक और इसमें रिलेटेड चीज है जो हम कर सकते हैं आगे, कि प्रेशर अगर हमें कम नहीं करना है, प्रेशर अगर हमें बढ़ाना नहीं है, सॉरी कम नहीं, बढ़ाना नहीं है, तो हम एक बात कर सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे। टेम्परेचर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। इसका क्या रिलेशन बनता है, अगर आपने रियल गैस और आइडियल गैस में का डिफरेंस पढ़ा होगा, रियल गैस और आइडियल गैस में का डिफरेंस पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको एक पॉइंट मिला होगा कि रियल गैस और आइडियल गैस में डिफरेंस तब आता है जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की बात आती है। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर अगर आ गया, लो टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर कैसा कर दिया, लो, क्या कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, लो। तो टेम्परेचर लो कर दिया तो आपको एक बात पता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू विच लॉ, चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम। वॉल्यूम अगर कम होगा तो अगेन मॉलिक्यूल कहाँ आएंगे, पास पास आएंगे। मॉलिक्यूल कहाँ आएंगे, पास पास आएंगे। मॉलिक्यूल पास में आएंगे मतलब जो चीज़ गैस में दी है वो काय में बदल सकती है लिक्विड में, जो चीज़ गैस में दी गई है वो लिक्विड में बदल सकती है। तो इस एक तरीके से आप कोई जो गैस है उसको आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करवा सकते हो, उसको आप काय में कन्वर्ट करवा सकते हो लिक्विड में। तो गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना
या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, इस बात को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस आप कैसे अचीव करते हो, लिक्विफिकेशन गैस आप अचीव करते हो या तो प्रेशर बढ़ा के, नहीं तो टेम्परेचर कम करके, या फिर तीसरा कंडीशन भी ले लो। मैंने क्या बोला, पहला कंडीशन बोल रहा हूँ प्रेशर बढ़ा दो तो मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, दूसरा टेम्परेचर कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, तो अगेन क्या होने के चांसेस है, मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो या तो प्रेशर बढ़ाओ या तो टेम्परेचर कम करो, नहीं तो दोनों कर लो, नहीं तो दोनों कर लो। अगर आप ये दोनों करोगे तो आपका जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड स्टेट में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, जो चीज़ गैसीय स्टेट में है उसको लिक्विड स्टेट में लाना। तो इसके लिए बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जनरली एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो इसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वाला एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, जिसे एंड्रयूज नाम दिया जाता है कुछ सिलेबस कुछ टेक्स्ट बुकों में, एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। तो क्या किया, बेसिकली गैस ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस ली गई, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और CO2 गैस लेकर ये गैस का अलग अलग टेम्परेचर पे, ये गैस का अलग अलग टेम्परेचर पे और ऐसा मान लीजिए अलग अलग प्रेशर पे ऑब्जर्वेशन किया गया कि कैसे कैसे बिहेव करेगी, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर पे कह रहा हूँ कैसे कैसे बिहेव करेगी, कहाँ पे मतलब कौन से वक्त लिक्विड स्टेट में है, कौन से वक्त गैसीय स्टेट में है, कहाँ पे लिक्विड गैसीयस दोनों कन्वर्ट हो रहा है, सारी जानकारी। तो ऑन दैट बेसिस एक ग्राफ प्लॉट किया गया, ये ग्राफ है वॉल्यूम और प्रेशर से रिलेटेड, कि अगर आप ये अगर वैल्यू हम ले लें जीरो, ये अगर वैल्यू अगर हम ले लें जीरो, तो इधर साइड जब आप जाओगे आपका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है और ऊपर साइड जब आप जाओगे तो आपका प्रेशर बढ़ते जा रहा है, क्या बढ़ते जा रहा है, प्रेशर, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, पहले जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया दैट स्टार्ट किया ऑन द पॉइंट ऑफ कितना, 31.1 डिग्री सेल्सियस, 31.1 डिग्री सेल्सियस यहां से आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, आपने क्या कर दिया, ये जब चीजें कर रहे हो, ये जब चीजें कर रहे हो तो आप टेम्परेचर को रख रहे हो कांस्टेंट, क्या रख रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हो टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है वैसे भी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बना तो टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये बात पता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हमने, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली, अब ये जब गैस ली हमने तो ये गैस स्टार्ट हुआ जब टेम्परेचर है, अब मेरे को बात बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट लिया गया है, टेम्परेचर क्या लिया गया है, कांस्टेंट। अब जब आप पीछे के साइड आ रहे हो, पीछे के साइड आ रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो रहा, क्योंकि वॉल्यूम तो इधर साइड बढ़ता है ना, तो इधर साइड क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो रहा, कम, वॉल्यूम क्या हो रहा, कम वॉल्यूम। यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर बात करें तो इस पॉइंट पे ये गैसीय स्टेट में था, कौन से स्टेट में था, गैसीय स्टेट में, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कौन से स्टेट में था, गैस स्टेट में था, एट कब, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे गैसीय स्टेट में। जब आप पीछे गए, पीछे गए मतलब आपका वॉल्यूम क्या हो रहा, कम हो रहा, वॉल्यूम क्या हो रहा, कम हो रहा, वॉल्यूम कम होने के बाद आप इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई, ये स्ट्रेट लाइन का मीनिंग ये होता है कि अगर यहाँ पे प्रेशर है, आपको पता है प्रेशर की अलग अलग वैल्यू होगी, तो आप समझ सकते हैं ना एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर कंडीशन। तो जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, वॉल्यूम अभी क्या होते जा रहा है, कम 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 होते जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम किधर साइड आएगा, पीछे साइड आ रहा, किधर साइड आ रहा, पीछे साइड, पीछे साइड आ रहा। तो आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, वॉल्यूम क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, एट कौन से टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में इस पॉइंट तक आ गए। इस पॉइंट पे आने के बाद अब अगर आपको पता है यहां से वॉल्यूम अगर होंगे आंसर, वॉल्यूम के आंसर होंगे, तो अब यहां से ग्राफ कैसे गया, स्ट्रेट लाइन। तो
तो स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम का अगर यहाँ पे आंसर अगर सपोज वन होगा तो यहाँ से कैसा गया स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से क्या कॉन्स्टेंट हो गया वॉल्यूम, क्या कॉन्स्टेंट हो गया, कौन कॉन्स्टेंट हो गया वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया, तो क्या बढ़ने लगा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया तो कौन बढ़ने लगा प्रेशर, क्या होते गया बढ़ते गया प्रेशर, क्या करते गया बढ़ते गया प्रेशर, क्या होते गया इंक्रीज होते गया, ठीक है। प्रेशर का वैल्यू क्या होते गया इंक्रीज होते गया, प्रेशर का वैल्यू क्या होते गया इंक्रीज होते गया। तो अब बात क्या है कि यहां से जब आप पीछे के साइड आ रहे हो तो आपका वॉल्यूम का आंसर क्या होते जा रहा कम होते जा रहा, वॉल्यूम का आंसर कम होते जा रहा मतलब आप गैस स्टेट से कौनसी स्टेट की तरफ कन्वर्ट होने लग गए हो लिक्विड, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा कम होते जा रहा, वॉल्यूम कम होते जा रहा मतलब गैस के मॉलिक्यूल कैसे आते जाएंगे, ये वॉल्यूम अगर कम होगा तो गैस के मॉलिक्यूल कैसे आते जाएंगे पास पास आते जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल अगर पास पास आएंगे मतलब मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करने लगेंगे लिक्विड, या कह सकते हैं कि गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम वर्ड आपको समझेगा नहीं लेकिन आपके लिए बता दूं इक्विलिब्रियम का मीनिंग है कि एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड और गैस, दोनों में चल रहा है लिक्विड और गैस दोनों में चल रहा है, इसका मीनिंग अगर समझा रहा हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जा रहा है, यानी इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझना कि अगर आपने एक आधे बर्तन में वाटर लिया है वो वाटर को इवेपोरेट हो रहा है, नीचे से टेम्परेचर दे रहे हो नहीं दिया तो भी इवेपोरेट हो रहा है, तो इवेपोरेट होते वक्त आपने ऊपर से रख दी प्लेट या कोई जिसे हम कहेंगे कुछ चीज रख दी ढक दिया उसको, तो क्या होगा पानी की वेपर बनेगी, वेपर बनने के बाद कुछ वेपर के मॉलिक्यूल काय में वापस बदलेंगे ड्रॉपलेट में, काय में बदलेंगे ड्रॉपलेट में, काय में बदलेंगे ड्रॉपलेट में, तो जहां पे हम सेंटेंस इस्तेमाल करते कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है जितनी पानी से बाफ बन रही है उतना ही बाफ से वापस क्या बन रहा है पानी, जितना पानी से बाफ बन रही है उतना ही बाफ से क्या बन रहा है पानी। यहाँ पे बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि गैसीय स्टेट से कौन से स्टेट में आप कन्वर्ट हो जाओगे लिक्विड, कौन सा लिक्विड, गैसीय स्टेट से कौन से स्टेट में लिक्विड स्टेट में आप कन्वर्ट हो सकते। अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद अब आप क्या कर रहे हो बात देख लीजिएगा, आप क्या कर रहे हो यहां से आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो गया लेकिन प्रेशर का वैल्यू क्या होता जा रहा बढ़ते जा रहा प्रेशर बहुत बढ़ा गया, क्योंकि देख लो ये अगर हम कंपेयर करें इसके साथ ऐसा 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 तो प्रेशर का वैल्यू क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा, तो प्रेशर आपने बहुत बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ा गया यानी यहाँ पे ये गैस स्टेट में था यहाँ से गैस में लिक्विड में चला गया और इसके आगे ये पूरी तरीके से कौन से स्टेट में एग्जिस्ट हो गया लिक्विड, कौन से स्टेट में एग्जिस्ट हो गया लिक्विड, क्या हो गया लिक्विड, तो इसी को हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कह रहे हैं, इसी को हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कह रहे हैं, क्या कि ए से लेकर एक्स तक आया तब कौन से स्टेट में था गैस, ये पॉइंट हमने लिया ये पॉइंट अगर ले, इस पॉइंट से हम देखेंगे तो वॉल्यूम किधर आते जा रहा पीछे आते जा रहा, मतलब वॉल्यूम क्या होते जा रहा हमारा कम, वॉल्यूम कम हो रहा प्रेशर एक लेवल में कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन इमेजिन कर लो। दूसरी बात जब इस पॉइंट पे पहुंचे अपन तो इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया अगर आप इसको नीचे के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आप यहां से वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया स्ट्रेट लाइन लेकिन प्रेशर क्या होते जाएगा प्रेशर बढ़ते जा रहा, तो प्रेशर बढ़ते जा रहा तो ये एग्जिस्ट कौन से स्टेट में करेगा लिक्विड स्टेट में, प्रेशर कौन से स्टेट में करेगा लिक्विड स्टेट में। देन ये होने के बाद अब दूसरा एक टेम्परेचर का वैल्यू लेते हैं दैट इज 21.5 डिग्री सेल्सियस, अगेन यहां पे कौन सा स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ये गैसियस स्टेट, गैसियस के बाद इस पॉइंट के बाद अगेन आप देख सकते हो कि दैट बिकम वॉल्यूम प्रेशर क्या होता जा रहा है इधर इधर, अगर ये आपने ग्राफ अगर ऊपर के साइड देखा होगा ग्राफ अगर ऊपर की साइड दैट मींस प्रेशर बढ़ते जा रहा है, ठीक है ये ग्राफ ऐसा कर्व है मतलब प्रेशर बढ़ते जा रहा है, इधर देखिए प्रेशर बढ़ते जा रहा है लेकिन वॉल्यूम का आंसर क्या होते जा रहा है कम होते जा रहा है। पहली बात समझ लीजिएगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्रेशर ये इधर कम प्रेशर का वैल्यू क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि प्रेशर का वैल्यू ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है ना, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है लेकिन वॉल्यूम का आंसर क्या होते जाएगा कम, तो एक पॉइंट आएगा एन यहां से अगेन गैस टू कौन सा स्टेट में कन्वर्ट होगा ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हुए जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वॉल्यूम पूरी तरीके से कम हो गया लेकिन अब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, प्रेशर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है तो ये अगेन कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड।
तो ये जब हम ऐसा ड्रॉ करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर का पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं 31 पॉइंट, आई थिंक इफ आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग 31 ही है, चलो एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा दैट बिकम इसके बाद वाले पोजीशन पे अगर हम समझेंगे वो वैल्यू आता है 38.98 डिग्री सेल्सियस। ये आपके टेक्सटबुकों में दिया है, एक्चुअल में अगर हम जेडब्ल्यू नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो वो ये वैल्यू है ही नहीं, ये नया वैल्यू दिया गया है। हमारा वैल्यू अगर डिस्कस करें हम तो वैल्यू है 31.1 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर का ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे गैस पूरी तरीके से गैस स्टेट, गैस टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विडिफाइड स्टेट में, लिक्विडिफाइड स्टेट कौन सा 31.1 डिग्री सेल्सियस, और उसके ऊपर वाले जो टेम्परेचर दिए गए आपको दैट इज 35.5 देन एज वेल एज अगर वैल्यू अगर समझे तो 48 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे तो आपको लिक्विड स्टेट आएंगी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो ये जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस ये आपको क्या जस्टिफाई करता है कि किस टेम्परेचर पे गैस गैसीय स्टेट में रहेगी और कब वो लिक्विड स्टेट में होगी। मतलब इस टेम्परेचर के बिलो जैसे यहां पे बोला मैंने प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम करो, फिर प्रेशर कांस्टेंट हो गया लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा, फिर प्रेशर बढ़ रहा वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं टीसी, दैट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल कांस्टेंट अगर कहा तो बेटर रहेगा। क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है, क्रिटिकल कांस्टेंट मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसके नीचे गैस लिक्विडिफाइड हो सकती है और जिसके ऊपर पूरा का कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो कितना भी प्रेशर बढ़ा लो कुछ भी कर लो फिर भी गैस लिक्विड स्टेट में नहीं आ सकती, वो गैस गैसीय स्टेट में रहेगी। ये होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ये ग्राफ से आपको एक चीज समझती कि ये जो अगर आपको दिख रहा होगा ये जो कर्व है, ये कर्व का जो पैटर्न है इधर गैसीय स्टेट में है, इधर गैसेस टू लिक्विड हो रहा है और इस कर्व पे इधर कौन सा स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, कौन सा है लिक्विड। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, प्रेशर बढ़ा लो या और कोई चीज बढ़ा लो, आपका जो वैल्यू है दैट इज गैस, वो कभी भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो कभी भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का मीनिंग क्या होता है कि उस टेम्परेचर के नीचे तक बेसिकली गैस कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में। उसके ऊपर जैसे होगा गैस कैन नॉट बी लिक्विडिफाइड, वो लिक्विफाई कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो लिक्विफाई नहीं हो सकता। That temperature is known as, उस temperature को हम बोलते हैं critical constant, या फिर आप जिसे कहेंगे उस temperature को हम कहेंगे critical temperature, अगर बोला तो ज्यादा बेटर, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे critical temperature बोलेंगे, critical constant तो भी चलेगा। और इस particular condition में, जो आपका value रहेगा that is क्या VC and VP, इस particular condition में एक आपका value रहेगा VC और PC, that is volume at critical constant condition एंड प्रेशर एट क्रिटिकल कॉन्स्टेंट कंडीशन। मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में आपका वॉल्यूम कितना रहता है, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, और इस कंडीशन में मतलब इस पॉइंट में आपका जो प्रेशर का वैल्यू रहता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रेशर। ये चीज आपके टेक्सटबुक में एज अ ग्राफ में दी है, आप उसको बार बार पढ़िएगा क्या होता है। तो क्रिटिकल कॉन्स्टेंट यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का जो वैल्यू है वो हमारे लिए क्यों यूजफुल है, या फिर हमारे लिए वो कैसे काम में करता है, वो हमारे लिए इस तरीके से मदद करता है बेसिकली कि कौन सा टेम्परेचर का वैल्यू रहेगा जिसके ऊपर प्रेशर बढ़ा लो, टेम्परेचर बढ़ा लो, वॉल्यूम कम कर लो, कुछ भी कर लो, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके नीचे अगर वैल्यू है तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। डिमांड रहेगी, प्रेशर है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम करो, प्रेशर बढ़ाओ, ये सारे, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस जब आप टेक्सटबुक रीड करोगे और बाकी सारी चीजें रीड करोगे तो आपको ये पूरा टॉपिक मिलेगा कि क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। होप करता हूँ कि आपको ये ग्राफ समझाऊंगा, ये ग्राफ को आप बार बार जाके देखिएगा कि किस टेम्परेचर पे वैल्यू बढ़ रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है और बाकी सारे। तो ऑन दैट बेसिस जब आप पढ़ोगे तो कोशिश कीजिएगा प्रॉब्लम नंबर 10.5
10.6, 10.7, प्रॉब्लम नंबर 10.5, 10.6, 10.7, ये तीनों आप रीड कीजिएगा, एज वेल एज जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड क्रिटिकल कांस्टेंट नाम का टॉपिक आपके इसमें दिया गया है उसको आप पूरा रिपीट कीजिए, उसको पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, उसके ऊपर डाउट आएंगे तो अपन उसको डिस्कस करेंगे कि वो होता क्या है। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्या होता है, ये टर्म डेफिनेशन याद रखना एंट्रेंस वाले जेडब्ल्यू वाले। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे गैस को अपन लिक्विडिफाइड नहीं कर सकते, उसके ऊपर ही गैस कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विडिफाइड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये आपको वैल्यू कंसिडर करना है और ये टॉपिक आपको उस हिसाब से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, चलो तो एक लास्ट चीज और क्वेश्चन नंबर 26 डिफिकल्टी आई है बोलते सॉल्व करने में, तो वो सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व कर डिफिकल्टी सॉल्व कर लेते। क्या कहता है, अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 0.35 डीएम क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ 0.35 डीएम क्यूब बोला है तो इसको हम ले सकते हैं दैट इज इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1, वो कितना होगा 0.35 डीएम क्यूब। आगे अ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ 0.35 डीएम क्यूब एट 290 केल्विन, एट 290 केल्विन बोला है तो उसको आप ले सकते इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1, वो कितना रहेगा 290 केल्विन। देन ये होने के बाद एंड 92.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी प्रेशर हो गया तो यहाँ पे हम टर्म ले सकते दैट इज इनिशियल प्रेशर। क्या ले सकते, इनिशियल प्रेशर दैट इज P1, 92.458 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनवर्स। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 92.458 इंटू 10^3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गया प्रेशर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP, वॉल्यूम निकालिए गैस का एट STP। STP माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये अगर हो गया तो इनिशियल वॉल्यूम अगर हो गया तो नेक्स्ट चीज क्या लेंगे हम, इनिशियल होने के बाद नेक्स्ट चीज दैट इज फाइनल वॉल्यूम। क्या लेंगे, फाइनल वॉल्यूम V2, ये तो निकालना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस बोला है। फाइनल वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देन अब बात करते हैं फाइनल टेम्परेचर की, तो मेरी बात सुन लीजिएगा, T2 का वैल्यू क्या आएगा। जब भी स्टैंडर्ड वर्ड बोला गया है तो टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273.15 केल्विन। स्टैंडर्ड दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन। और ये होने के बाद नेक्स्ट चीज जो इसमें रहेगी दैट इज वैल्यू कंसिडरेशन में वो रहेगा 273.15 होने के बाद फाइनल प्रेशर दैट इज P2 अगर लेंगे तो वो वैल्यू रहता है 1.01325 इंटू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो थोड़ी देर पहले मैंने किसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 8 लिया था उसमें मैंने बोला था नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज 180 यानी इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों वैल्यूज गिवन है तो बाय यूजिंग कंबाइंड गैस लॉ क्या बनता है, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। यह आपका इक्वेशन बनेगा जिसको हमें सॉल्व करना है और बाकी सारा कंसिडरेशन में करना है। क्या, P1 V1 upon T1 P2 V2 upon T2। P1 का वैल्यू गिवन है, V1 का वैल्यू गिवन है, T1 का वैल्यू गिवन है। देन यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें P2 का वैल्यू भी गिवन है, V2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, T2 का वैल्यू दिया गया है। वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, क्या करना है, ये सब गिवन है, ये कंबाइंड गैस का पे मैंने होमवर्क लिए थे लेकिन ये शायद किसी को डिफिकल्टी आ गई है तो हम सॉल्व करें P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है,